2014 साल की 31 दिसंबर तक जिन्होंने ये देश में आए थे और जिनको ऊपर धार्मिक अत्याचार हुए हैं, इसको हम कहते थे कि टारगेटेड लेजिस्लेशन। जिन लोगों को अपना देश छोड़ने में मजबूर होने पड़ी, उन लोगों के लिए ये कानून। सीएए तो 2019 साल की एक कानून है, कानून पारित हो चुके हैं, नियमों की तरह मुश्किलें खड़ा करते हुए ये लोग 5 साल रुक दिए हैं। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि किसी को नागरिक अधिकार नहीं देना चाहिए। हमारा ये सवाल था कि ये जो कानून है, कानून पारित करने की जो लक्ष्य, इनके पीछे जो राज, इनके पीछे जो मकसद, वो ये था कि एक वर्ग के लोगों को हम नागरिक अधिकार नहीं देंगे। इसको हम कहते थे कि टारगेटेड लेजिस्लेशन, किसी एक समुदाय के खिलाफ एक कानून हमारा देश में पारित होना हमारे संविधान की विरुद्ध होते हैं। दूसरी बात यह है कि 2014 साल की 31 दिसंबर तक जिन्होंने ये देश में आए थे और जिनको ऊपर धार्मिक अत्याचार हुए हैं, इसको कहते हैं कि रिलीजियस पर्सिक्यूशन, चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हो, जहां धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किए गए थे, धार्मिक उत्पीड़न के चलते जिन लोगों को अपना देश छोड़ने में मजबूर होने पड़ी, उन लोगों के लिए यह कानून। तो इसका मतलब यह है कि सारे सवाल की जवाब नहीं दिए गए, जवाब अंधेरे में सवाल भी गहरा होते जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आ गए, जब चुनाव आ गए तो सीएए एनआरसी क्या चुप बैठ सकते? ध्रुवीकरण की यह सुनहरा मौका चुनाव है, चुनावी ध्रुवीकरण की सुनहरे मौका यह चुनाव, जब दरवाजा खटखटा रहे हैं तो कैसे भला सीएए और एनआरसी चुप बैठ सकते? क्या नहीं चुप बैठ सकते? इसलिए उनको बाजार में लाया जाएगा, धीरे धीरे इसको रफ्तार और बढ़ा दिया जाएगा, इसमें और गर्म जोशी दिखाया जाएगा, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति अभी जरूरी है चुनाव जीतने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।